लेके आओ, दो तीन ऑप्शन लेके आओ भाई। स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत ही डिफरेंट किरदार मिलना है, करने में मजा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा है यार। आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग किरदार करे, और मेरी शुरुआत जो है इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी हुई थी। अब मैं 26 साल का हूँ, लेकिन जब मैंने हाले दिल से शुरुआत हुई थी तब मैं 19 साल का था। तो यार खुशकिस्मत मानता हूँ कि फिल्में कर रहा हूँ, और अच्छी फिल्में कर रहा हूँ। फिल्में हिट फ्लॉप ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बस यही कोशिश करता हूँ कि अपने काम, जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, अच्छा काम कर सकूँ, दर्शकों जो है उनके तक पहुँचूँगे, दिलों तक पहुँच सकूँ। उसके बाद यार आई जस्ट और ये आपने कहा रोल्स के बारे में, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई डायरेक्टर्स दैट आई एम वर्किंग विद। अभी 4 फिल्में मेरी जो इस साल फ्लोर पर जा रही है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि सारे रोल्स जो है अलग है, लेकिन सारी फिल्में रोमांटिक फिल्में हैं। तो पता नहीं लोग मुझे रोमांटिक रोल्स में क्यों देख रहे हैं अब, लेकिन बट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फेस। यार क्लिक इसलिए है बिकॉज इट्स अ रोमांटिक फिल्म। अब रोमांटिक फिल्म मोर और लेस सेम ही होती है, उसका खाली बैकड्रॉप और बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, कैरेक्टर्स का स्केच अलग होता है। और इस फिल्म में मैं एक फोटोग्राफर का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। और ये कहानी सिंपल है, और आई थिंक बहुत लोगों के साथ होती है। कहानी सक्सेस के बारे में और प्यार के बारे में, कि इंसान प्यार को चूज करता है या सक्सेस को। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके जो पार्टनर है, आपकी लड़की है या कोई लड़का है, आपका साथ बुरे वक्त में हमेशा साथ देता है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल बन जाता है तो उसे अपने सक्सेस के लिए छोड़ देता है। यही कहानी आदित्य की भी है इस फिल्म में, और हार्टलेस के बाद में फिर से आदित्य का किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो एक इंटेंस लव स्टोरी है ये, इसे गाने बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि मेरे सारे फिल्मों के गाने खूबसूरत हमेशा रहे हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सारे गाने बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है यार, बाकी सब भगवान के ऊपर है फिल्म कैसे चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन मेरा काम है मेहनत कर रहा अपने कैरेक्टर्स पर, अलग अलग दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार टैटू ये वो, अब बिकॉज आई थिंक हर कैरेक्टर को अलग दिखना फिल्म में बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार फिल्मों को लेकर। जी यार सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि स्क्रिप्ट फिल्म की अच्छी हो, चाहे वो कोई बड़े बैनर की हो या छोटी बैनर की हो। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी और छोटी नहीं होती, फिल्म होती है, स्क्रिप्ट कंटेंट होता है। और मैंने इस फिल्म को कंटेंट बेस के ऊपर उठाया है, इसका जो किरदार है। मैं रोमांटिक फिल्में करना चाहता था बहुत दिनों से, और आई थिंक अब जब मैं फिल्में कर रहा हूँ, 4 फिल्में कर रहा हूँ, सारी रोमांटिक फिल्में हैं, और हर तरीके का किरदार है इस फिल्म में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इस सबको लेकर। हाँ यार पता नहीं यार, अब सब जो है बोझ मेरे हर फिल्म में कंधे पर बोझ रख देते हैं। नहीं बहुत अच्छा है, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस फिल्म का, और हालांकि म्यूजिक तो बहुत फिल्मों में किया है, लेकिन ये जिम्मेदारी है, और ये बहुत ही अच्छी भी बात है कि अपनी फिल्म है और अपना म्यूजिक है। तो आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ दिस फिल्म, और जिस हिसाब से अभी शूट हो रहा है अध्ययन एंड सारा, बोथ आर फैंटास्टिक, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी इश्क क्लिक जो है वो सोच पूरी टीम की एक्चुअली हमारी, और इश्क और क्लिक, अगर इश्क है तो क्लिक होना बहुत ज़रूरी है, अगर इश्क क्लिक नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आई होप सो ये थिएटर में भी क्लिक हो इश्क, सो होप फॉर द बेस्ट। जी इसको नकाश ने गाया है और रिचा ने गाया है, इट्स ए रोमांटिक सॉन्ग, और जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है सेट पे सभी को बहुत पसंद आ रहा है। अब तो आप लोग भी बताएंगे कि आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग भी 1 घंटे से सेट पे हो। तुझ पे फना मैं इस तरह, हर पल मेरी तिश्नगी, मेरा सुकून तेरा जुनून, हर पल यही है तिश्नगी, बस तुझी में महफूज मेरा सारा वजूद, तू ही मेरी जिंदगी, माना तुझी को खुदा, ओ ना दिल से जुदा।
थैंक यू।